डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास एट योर न्यू चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? वी लर्न अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिफोर. इट इज नेसेसरी दैट व्हाट इज वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट. वेरिएबल मीन्स a value जो होती है fix होती है, जिनको हम denote करते हैं x y z. means हम कह सकते हैं कि जो जिनकी value find नहीं होती हमें, हम उसको various type में write कर लेते हैं. फिर उनके प्लेस पर इसको मान लेते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो ये वेरिएबल होते हैं. मींस ए टू जेड मतलब अल्फाबेट के जितने भी लेटर्स होते हैं वे जो किसी भी मैथमेटिकल में यूज किए जाते हैं, मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं, उन्हें वेरिएबल कहते हैं. कॉन्स्टेंट नंबर्स होते हैं जिनका कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी कुछ भी होते हैं. ये जो होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं. ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी होते हैं. अब व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? देन वी राइट वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट टुगेदर. जब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट एक साथ राइट किए जाते हैं तो वे जो एक्सप्रेशन होता है वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. मीन्स जैसे 2 years. अब यहाँ वेरिएबल भी है और कॉन्स्टेंट भी है, तो अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. -9y. यहाँ वेरिएबल -9 है, तो वेरिएबल y है और कॉन्स्टेंट -9 है. 3x + 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड किए गए हैं. तो फॉर्म में होते हैं वे, जैसे बेसिक फॉर्म होते हैं, प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं और सब्ट्रैक्ट भी होते हैं, प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, मल्टीप्लाई भी होते हैं और डिवाइड भी होते हैं. तो एक बेसिक फॉर्म में राइट किए जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के राइट किए जाते हैं. तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहला मोनोमियल. An algebraic expression has one term. ऐसा algebraic expression जिसके पास केवल एक term हो, या an algebraic expression write with one side, one sign. कोई भी algebraic expression या one term हो या one sign के साथ write करें, वे algebraic monomial. जैसे 4 years. यहाँ पर algebraic expression है लेकिन एक ही term है, यहाँ पर one term है और sign भी एक ही है, plus है. -3x ये भी वन टर्म है और एक ही साइन के साथ राइट हुआ है. सेकेंड नंबर पर बायनोमियल. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज टू टर्म, या एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट विथ टू साइन. 4x + 3y या 2x + 5, 6y - z. हम यहाँ पे वी कैन सी हियर टू टर्म, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ये टू टर्म के साथ राइट किए गए हैं. ये क्या है? बायनोमियल.
ट्राइनोमियल एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है थ्री टर्म, फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव। वी कैन सी हियर थ्री टर्म, फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव थ्री टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वाई, नाइन एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस, ये आपके ट्राइनोमियल हो गए, थ्री टर्म के साथ राइट हुए हैं। ओके, इन द लास्ट पॉलिनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज मोर टर्म देन थ्री, थ्री से ज्यादा है, मोर टर्म्स देन थ्री। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो थ्री टर्म से ज्यादा राइट किए जाते हैं उनको पॉलीनोमियल कहते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस जेड प्लस फाइव, वन टू थ्री फोर, या एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन राइट विद मोर साइन देन थ्री, थ्री साइन से ज़्यादा राइट किए जाए तो पॉलीनोमियल। सिक्स एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन, नाइन एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस जेड प्लस से, यहाँ पर फोर टर्म्स हैं, यहाँ पर फाइव टर्म और फाइव साइन है, माइनस भी हो सकते हैं। सिक्स वाई प्लस फोर जेड माइनस थ्री वाई माइनस टू एक्स प्लस नाइन, तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।